बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का एक और हरूफ तहजीब पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था बे पे ते टे, और आज हम पढ़ेंगे से। क्या पढ़ेंगे? से। ये भी बिल्कुल वैसी है, ठीक है, बे और पे की तरह, ठीक है। और पे के नीचे क्या होता था? तीन नुक्ते थे, और इसके तीन नुक्ते कहाँ हैं? ऊपर। पे के नीचे थे, से के ऊपर। इसका क्या नाम है? से। से, और से क्या कहती है? स। से स समर। से स समर। से स साबित। से स साबित। से स समर। से स साबित। से स सल्स। से स समर। से स साबित। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे हमने से को लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे हमने बे बे ते टे लिखा था, वैसे से लिखेंगे। लाइन से थोड़ा ऊपर गोल, और फिर सीधी लाइन, और फिर ऊपर। शाबाश। अच्छा, से के नुक्ते कहाँ पे थे? ऊपर। एक, दो और तीन। पे के नीचे होते हैं, से के ऊपर। और छोटी से लिखेंगे आधी शक्ल, से की नुक्ते ऊपर। से। अब आप अपनी उर्दू की किताब खोलेंगे, ठीक है, सफ़ा नंबर 17। अच्छा जी, ये है बड़ी से, पूरी शक्ल से की, और ये है आधी शक्ल। से समर। से सल्स। से साबित। और सफ़ा नंबर 18 पे आपने से की पूरी शक्ल की लिखाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी शक्ल लिखेंगे, और उसके बाद सफ़ा नंबर 19 पे आपने से की आधी शक्ल लिखनी है, ठीक है बच्चों। और फिर अगले सफ़े पे, सफ़ा नंबर 20 पे आपने बे पे ते टे से, इन सब की लिखाई करनी है, ठीक है, सब की पूरी शक्ल लिखनी है। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई मसला हो तो आप स्कूल के नंबर पे हमसे रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।